ये सब होने ही नहीं देंगे। हिंदू बात को समझने की कोशिश करो, सिर्फ रात भर की बात है। रात भर की बात है? अरे रात भर में कुछ भी हो सकता है, हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। रात भर यार अपनी अम्मा से पहली बार मिलवाने लेके गए थे, आज भी याद आता दिमाग झनझन आ जाता। अरे उस समय तो उम्र कम थी। बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ रात भर की तो बात है। रात भर? अरे रात भर में कुछ भी हो सकता, हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी ना। हम जानबूझ के ओखल में सर नहीं डाल सकते, हम नहीं रख सकते हैं आपकी माँ को घर में। याद नहीं है? भूल गए हैं क्या, जब पहली बार अपनी अम्मा से मिलवाने लेके गए थे? अब तो हमारी मुंडी उखड़ के उनके हाथ में आ जाएगी ना। हम नहीं करेंगे ऐसा, हम उस पगली बुढ़िया को अपने घर में नहीं आने देंगे। हिंदू थोड़ा तो इंसानियत से काम लो, वो माँ है हमारी, हम उनको इधर उधर भटकते हुए नहीं छोड़ सकते। तो जाइए ना, आप भी साथ में जाकर भटकिए ना, करते रहिए निगरानी। और हम अपनी माँ को ठोकर खाते हुए नहीं देख सकते। आवाज आई, आ ठीक है, जिसे अपनी दूसरी बेटी का हक करवाई थी, जिसने हमारे बिगड़े बेटे को इंसान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके साथ इस घर में कोई भी इंसानियत से पेश नहीं। सबसे ज्यादा मम्मी जी और क्रिश, तो वो तो चाहते ही नहीं है कि वो इस घर में रहे बिंदी। तो जब उन लोगों ने उसको निकालने का वो किया, तो पापा जी स्टिल आफ्टर ऑल दिस बिंदी के साइड है, तो क्रिश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये बात। और क्रिश ने पॉइजन पीने के लिए तैयार हो गया कि आप अभी भी उसकी साइड हो तो मैं पॉइजन पी लूँगा। तो ये तो ऑब्वियसली बिंदिया नहीं देख सकती थी, और बिंदिया बीच में आती है और पॉइजन गिरा देती है पॉइजन गिरा देती है एंड बोलती है कि मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप लोग खुशी से रह सकते हैं अब। आपको बताने का तरीका काफी मस्त है, थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं बहुत अच्छे से जानी जाती हूँ। आगे कुछ ऐसा दिखने के लिए आपको मिलेगा कि पायल की बैंड बजी हुएगी पूरा टाइम, ये सब दिखने के लिए। आगे बहुत ड्रामा आ रहा है गाइस, हमारी दादी की एंट्री हो रही है, आपको बता देते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ड्रामा लेकर आने वाली है, और ऐसा ड्रामा लेके आने वाली है कि पायल की भी बैंड बजेगी। तो आप लोग प्लीज जुड़े रहिए हमारे शो से, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी स्टोरी है आगे, और हम लोग आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं आगे भी। वेलकम।